बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़िम, आज मैं आपके लिए जो डिश लेकर आई हूँ वो है चिकन तवा पीस। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, सिंपल, बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स इसमें नहीं जाते हैं और जो है ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही जायके वाला बनता है। तो आइए, इसमें जिन अज़ा की ज़रूरत होगी वो हम एक एक करके इसमें डालना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले जो है ये तकरीबन मेरे पास 1.25 किलो चिकन है, ये मैंने ले लिया है और इसके मैंने इस तरह से पीसेस जो है वो करवा लिए हैं। तो अब इनके अंदर जो मसालाजात जाएंगे, जो मैरिनेशन के लिए जाएंगे, उसमें सबसे पहले है मेरे पास ये सॉल्ट है, ये तकरीबन मेरे पास 1/2 टीस्पून है, और मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये भी ये तकरीबन 1/4 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून मेरे पास जो है ये अमचूर पाउडर है, उसके अलावा मेरे पास 2 लेमन है जिसके अंदर मैंने ये कलर जो है ये मिक्स करके रखा हुआ है, ये इसके अंदर जाएगा, और इसके साथ इसमें चिली फ्लेक्स जो हैं ये जाएंगे। अब मैं चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी, तो मैरिनेट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो 2 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। चिकन अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको 2 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी और आफ्टर 2 आवर्स हम दोबारा से मिलेंगे और इंशाल्लाह और फिर जो बाकी का प्रोसीजर है वो कम्प्लीट करेंगे। नाज़िम, मैरिनेशन चिकन तवा पीस की जो है ये रेडी हो चुकी है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको एक पैन लेके इसके नीचे मैंने आग जला दी है और आग जो है ये हम बिल्कुल इसकी करेंगे मीडियम पे, मीडियम टू लो पे हम ले जाएंगे इसको। और ये जो चिकन है हमारे पास इसको हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे और इसको स्टीम की तरह 15 से 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। चिकन मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं ताकि ये नीचे नहीं लगे। तकरीबन 1-2 स्पून मैंने डाला है और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बस इतना काफ़ी है, और इसको ऊपर से ढक दूंगी। 15 मिनट के बाद जो है हम इसको खोलेंगे दोबारा से। तवे के ऊपर चिकन में ऐड करने के लिए मैंने दही जो है ये लिया है 1 कप भर के, और उसके अलावा मैंने कुछ मसाला जात लिए हैं जिसमें मेरे पास 1/4 टीस्पून जो है ये मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और मेरे पास 1/4 टीस्पून जो है वाइट पेपर है, और 1/4 टीस्पून ही मेरे पास पिंक सॉल्ट है ये मेरे पास। अब इन सारे मसाला जात को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही के और इसको अच्छी तरह से फेंट के रख लूंगी। ये जब हम तवे के ऊपर पीसीस रखेंगे चिकन के तो साथ साथ में ये दही जो है ये ऐड करके हम इसको भूनते जाएंगे। इसके अलावा मैंने जो है वो लहसुन के जवे, एक पूरे फुल जवे को हाफ करके तो वो उसको मैंने कूट लिया है, और मोटा छिलकों समेत उसका पानी जो है वो मैं 1 कप पानी डाल के तो मैं उसको बॉयल करके उसका पानी तैयार कर रही हूँ। ये पानी भी जो है ये तवे चिकन के ऊपर जाता है। जी नाज़रीन, चिकन जो है ये तकरीबन हमारा हाफ डन हो चुका है। चिकन तवा जो है जब भी बनता है तो इसमें या तो इसको स्टीम किया जाता है या फ्राई करते हैं या इसको बारबेक्यू करके तो फिर इसका जो है वो तवा पीस बनाते हैं, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्टली तवे के ऊपर रखेंगे तो ये कभी भी प्रॉपरली अंदर से गलेगा नहीं, तो उसके लिए इसको हाफ डन करना कंपलसरी होता है। तो मैंने आज जो तरीकाकार चूज़ किया था वो स्टीम करने का है। मैंने कोयले जला लिए हैं और मैं इसको 15 मिनट के लिए स्टीम दूँगी। इससे इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा टिक्के का जो है अरोमा वो डेवलप हो जाएगा।
तवा पीस बनाने के लिए जिन मज़ीद अज़ा की मुझे ज़रूरत है, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ दही की प्रेपरेशन का तरीका, फिर मैंने आपको लहसुन वाला पानी तैयार करने का बताया था। उसके अलावा मैंने 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट के रखा है, 2 अदद मैंने लेमन लेके उनको स्लाइसेस में काट लिया है, और एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसके इस तरह से क्यूब्स जो हैं ये काट लिए हैं। उसके अलावा मैंने मक्खन लिया है, मक्खन इसमें देसी घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास देसी घी नहीं था तो मैंने उसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मक्खन का इस्तेमाल किया है, और ऑयल जो है ये ग्रीस करने के लिए पैन को ये मैं यूज़ करूँगी। कोयले का जो दम हमने दिया था इसका जो धुआं देने के लिए मैंने, तो वो हमारा जो है ये तकरीबन हो चुका है। अब मैं इन चिकन के पीसेस को अपने पैन के अंदर जो है ये मैं प्लेस कर दूंगी। अच्छा, मेरे पास बड़े वाला तवा नहीं था, तवा छोटे साइज़ का था, तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये किया है कि एक बड़े वाला मेरे पास पैन था नॉनस्टिक, तो मैंने यही ले लिया है और मैं इसे ही तवे के तौर पर यूज़ करूँगी ताकि मेरा जो सारा चिकन है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो अब ये करेंगे कि तमाम पीसेस को 1 by 1 करके इसके अंदर इस तरह से प्लेस कर देंगे। चिकन मैंने सारा प्लेस कर दिया है इसके अंदर। अब मैं ऐसे करूँगी कि इसके दरमियान में, अब मैं इसके दरमियान में कुछ जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये इस तरह से करके रखूँगी। ये सारे का सारा बेसिकली टमाटर में और सब्ज़ मिर्चों के अंदर पकेगा। और मैंने मक्खन जो है कुछ ये ऐड कर दिया है साथ में, और अब हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। जो दही है ये अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा दोनों साइडों से हल्का हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। इसके साथ ही कुछ लेमन के जो पीसेस हैं ये भी हम ऐड कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन दोनों साइडों से हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगी। नमक जो है ये मैंने मज़ीद नहीं इसके अंदर डाला, नमक मैंने कम ही ऐड किया है। लास्ट में जब हम देखेंगे कि अब फाइनल पे आ गया है तब नमक टेस्ट करके, तो अगर कम या ज़्यादा करना होगा तो इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा लहसुन वाला पानी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जो है ये मैं और ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, और साथ में लेमन में। बेसिकली इसका जो मसाला है वो इन्हीं चीज़ों से तैयार होता है। चिकन माशाल्लाह से बहुत शानदार तरीके से जो है ये पक रहा है। मैं वक्फे वक्फे से इसके अंदर जो दही है ये और लहसुन का पानी जो है, और इसके अलावा टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और लेमन, ये वक्फे वक्फे से इसके ऊपर जो है ये स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये इन्हीं चीज़ों के टेस्ट से इसका जो टेस्ट है चिकन का वो डिवेलप होगा। अभी इसको पकने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। बकिया मक्खन मैंने ऐड कर दिया है। अब जो बाकी की सब्ज़ मिर्चें हैं ये भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, लेमन और जो हमारे पास टमाटर, और इसको मैं ऊपर से ढक दूंगी। अब ये बहुत अच्छा से टेंडर्ड हो गया है और बहुत अच्छे से इसकी फ्राइंग हो गई है। मक्खन के साथ इसका टेस्ट और भी मज़े का आया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी और इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी, चिकन जो है इसकी साइड चेंज कर दूँगी।
तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे हमें ऐसे ही इस साइड पे भी स्प्रिंकल कर दूंगी। 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार चिकन तवा भी तैयार है, आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है और इसका बहुत ही शानदार टेस्ट है। नान के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की डिश बनती है ये। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फॉलो बैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।